अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि एक बहुत ही बुरी खबर, एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई है। आपको पता है जब से बजट आया है तो कोई ना कोई बुरी खबर मुस्तकिल के बाद एक आई रही है, और टैक्सेस में जो इजाफा किया गया है पाकिस्तान के अंदर वो कितना ज़्यादा है, वो हर शोबा हर तबका उससे मुतासर हुआ है। चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, हर बंदा इस बजट से और इस बजट में लगने वाले टैक्सेस से मुतासर हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रैवल का जो मामला, उसमें भी बजट 2024-2025 में जो है वो इकॉनमी क्लास पर, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके सामने मौजूद है कि बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी क्लास पर 12,500 रुपये इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। 12,500 रुपये इकॉनमी क्लास वाले को देना होगा इजाफी टैक्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही इतना देना होगा। तो ये एक बड़ी जो है वो सैड न्यूज़ है, बहुत बुरी खबर है। ज़ाहिर है बिलखसूस हम क्योंकि ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, उम्रे पर हमारे ज़ायरीन जाते हैं, तो 12,500 एक बहुत बड़ी रकम होती है के जो ज़ाहिर को पे करनी पड़े, और टिकट के ऊपर इतना बड़ा इजाफा ये यकीनी तौर पर बहुत नामुनासिब है। इसके अलावा कौमी असम्बली के बजट में ये भी बताया गया है कि टिक्सो टैक्स जो है वो अमेरिका और कनाडा के लिए है। अगर बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर 1,00,000 रुपये इजाफी टैक्स, अमेरिका जाता है कुछ शख्स या कनाडा जाता है तो बिजनेस क्लास और क्लब क्लास पर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स। दूसरी खबर आगे सुने, यूरोप के लिए 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास की टैक्स टिकट पर 60,000 रुपये इजाफी टैक्स। इसी के अलावा यूरोप की फ़िज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसके अलावा और अभी सुनते जाइए, ये देखिए कितने कितने टैक्स लगाए हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, के 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 रुपये इजाफी टैक्स। यानी 1,000 रुपये आपने सिर्फ और सिर्फ टैक्स में देना है। जो टिकट की प्राइस है, जो ट्रैवलिंग है, जो सब चीज़ें हैं वो अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स जो है वो आपने देख लिया। और फिर मैं बात करता हूँ कि अमेरिका या यूरोप या यूके जो लोग जा रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें दिया है तो नवाज़ा है तो वो जा रहे हैं, लेकिन वो आम बंदा जो ट्रैवल करता है, बिलखसूस मैं बात करता हूँ उमरा ज़ायरीन की, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से जाते हैं, पैसे जमा करके जाते हैं। और हर वो बंदा जो मुझे कॉल करता है उमरे के लिए, वो ये कह रहा होता है कि यार हमारी कोशिश हम कम से कम में सफ़र कर लें। तो अब बताइए कि एक टिकट के ऊपर ही 12,500 रुपये सिर्फ टैक्स बढ़ा दिया गया, तो किस तरीके से कोई बंदा जो है वो सफ़र करेगा। और फिर जब 12,500 रुपये सिर्फ एक टिकट पर टैक्स ही बढ़ जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर और बहुत सारी चीज़ों में भी इजाफा होगा, और जब चीज़ें बढ़ेंगी तो पैकेज बढ़ेगा, और पैकेज बढ़ेगा तो एक आम गरीब आदमी के लिए अल्लाह का घर देखना और उसके रसूल का दर देखना ये कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इंतहाई मजम्मत करता हूँ, हुकूमत को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि बिलखसूस वो लोग जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उमरे के लिए, या वो आम तबका भी जो वहाँ काम करता है, चाहे सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, या कोई भी और एक्सपाइसी जगह हो, चाहे गरीब लोग हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, अब उन्हें ईद पे आना है, बकरा ईद पे आना है, किसी शादी ब्याह में अपने घर आना है, तो वो इतने महंगे महंगे टिकट खरीदेंगे, और उन टिकटों पर जो है वो इतना इतना टैक्स गवर्नमेंट अगर वसूल करेगी तो मुझे बताइए किस तरीके से काम चलेगा। तो एक बहुत ही बुरी खबर थी, मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करेंगे। तकरीबन 12,500 रुपये का टैक्स जो है वो एक टिकट के ऊपर अब बैरून मुल्क सफ़र करने वाले को देना होगा, और अमेरिका और कनाडा और यूके यूरोप ये वो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके टिकट्स के ऊपर जो बिजनेस क्लास और क्लब क्लास है उस पर जो टैक्स लगा है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया न्यूज़ के अंदर, जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है बजट के अंदर, वो सब आपके सामने। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर, और दुआ में याद रखें, अल्लाह करीम हम सबको सफ़र मदीना और सफ़र मक्का बासानी अता फरमाए, और अल्लाह हमें इतने असबाब पैदा कर दें हमारे लिए हम बासानी सफ़र कर सकें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।